यूं तो इंडिया में नानी दादी के नुस्खे हजारों सालों से इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लेकिन साल 1854 में ब्रिटिश राज के दौरान ही इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके जो देश सिर्फ घरेलू प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता था उसकी पसंद पैकेट वाले FMCG प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होने लगती है। इसी वजह से आज के टाइम पर इंडिया की FMCG मार्केट की एनुअल वैल्यू ही 179 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। लेकिन फिर भी आज इंडिया में ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जिन्हें हम कई दशकों से यूज कर रहे हैं। इसी वजह से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पुराने ब्रांड जिन्हें हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे देश के आजाद होने से भी कहीं पहले से हमारे बीच मौजूद हैं। ये तो फ्रूटी का नाम सुनते ही फौरन ही हमें अपने बचपन की याद आ जाती है, लेकिन फ्रूटी ब्रांड की शुरुआत साल 1954 में पार्ले आगरू नाम की कंपनी ने करी थी। हालांकि फ्रूटी के लॉन्च होने से पहले इंडिया में कई और सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड भी थे जो पहले से ही ऑपरेट करते थे, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर कोल्ड ड्रिंक से इंडियन फैमिलीज इतना कनेक्टेड नहीं थी, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली में आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर से बनाई जाती थी, इसीलिए पार्ले आगरू की टीम ने एक मैंगो ड्रिंक लॉन्च करने का फैसला किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि इंडियन कंज्यूमर का कनेक्शन मैंगो से काफी करीबी है। लेकिन क्योंकि मैंगो सिर्फ सीजन में ही मिलते हैं और सीजन के बाद इंडियन कंज्यूमर मैंगोस को काफी मिस करते हैं, इसी वजह से मैंगो फ्रूटी अपने टेट्रा पैक्स और मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी टैगलाइन के साथ काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। गर्मियों के दिनों में जब भी हम बाहर से घर लौटते थे तो हमारी मम्मी हमारे लिए रसना बनाती थी, लेकिन रसना कंपनी की शुरुआत गुजरात में जेफे नाम से हुई थी और 1979 में ही जाकर जेफे नाम को रसना से बदल दिया गया। हालांकि उस टाइम पर कोल्ड ड्रिंक मार्केट में थम्सअप और लिम्का जैसे ब्रांड ही डोमिनेट करते थे, और क्योंकि कोई भी कंपनी बच्चों को टारगेट नहीं करती थी, इसीलिए रसना के लॉन्च होने के फौरन बाद ही ये लेट 70s और 90s के पीरियड में सबसे ज्यादा घर में सर्व करी जाने वाली ड्रिंक बन गई। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। यूं तो अमूल इंडिया की सबसे फेमस कंपनी में से एक है जो हर दिन 4 मिलियन लीटर से भी ज्यादा मिल्क कलेक्ट करती है, लेकिन अमूल कंपनी की शुरुआत एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह साल 1946 में गुजरात के एक विलेज आनंद में हुई थी, जब आनंद में रहने वाले मिल्क फार्मर पॉल्सन नाम की एक मिल्क कंपनी से परेशान हो गए थे। पॉल्सन कंपनी ने सभी मिल्क फार्मर से मिल्क को कम दामों में खरीद कर गवर्नमेंट को ही बेचना शुरू करके मोनोपोली बना ली, और इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए आनंद में रहने वाले मिल्क फार्मर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और वर्जिस कुरियन की लीडरशिप में अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत करी, और जिसके बाद जाकर अमूल कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी, जिसका असली नाम था पार्ले ग्लूको बिस्किट, इसकी शुरुआत हुई थी साल 1939 में इंडियंस के बीच बिस्किट को इंट्रोड्यूस करने से, क्योंकि उस टाइम पर बिस्किट काफी बड़ी चीज माने जाते थे और इसका लुत्फ सिर्फ ब्रिटिश एलीट लोग ही उठाया करते थे और ज्यादातर बिस्किट को ब्रिटेन से इम्पोर्ट किया जाता था। पर साल 1939 में पार्ले कंपनी ने इन महंगे बिस्किट के शौक को इंडियन आम जनता के बीच कम दाम पर बेचना शुरू किया। देखते ही देखते इन पार्ले ग्लूको बिस्किट की पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में बढ़ गई और उस टाइम का पार्ले ग्लूको आज पार्ले जी के नाम से हर एक इंडियन की दिलों की जान बन गया। इंडिया की सबसे फेमस और पुरानी आइसक्रीम कंपनी वाडीलाल्स, जिसकी आइसक्रीम हमने कभी ना कभी तो खाई ही होगी, क्योंकि वाडीलाल ही इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने आइसक्रीम बेचना शुरू किया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वाडीलाल कंपनी ने अपना ऑपरेशन साल 1907 में एक सोडा फाउंटेन से अहमदाबाद में शुरू किया था, वो भी उस टाइम पर जब आइसक्रीम के बारे में लोग इतना जानते तक नहीं थे। आज इतने सालों बाद और 4 पीढ़ियों के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी वाडीलाल इंडिया में आज भी काफी जाना माना नाम है, और इंडिया में सबसे फेमस आइसक्रीम कसाटा को भी पहली बार वाडीलाल कंपनी ने ही बेचना शुरू किया था। आज के टाइम पर भले ही हम रूह अफ़ज़ा को रिफ्रेश होने के लिए पीते हो, पर एक बात तो तय है कि इस ड्रिंक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, बल्कि रूह अफ़ज़ा कोई आज की कंपनी नहीं बल्कि हमारे देश के आजाद होने से भी पुरानी है, जिसे साल 1906 में हमदर्द के फाउंडर हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में शुरू किया था।
इस ड्रिंक को हकीम साहब ने यूनानी मेडिसिन की रेसिपी का इस्तेमाल करके बनाया था ताकि ये ड्रिंक आपको गर्मी और लू से बचा सके। अब अगर हमने रूह अफ़ज़ा की बात करी हो तो रूह अफ़ज़ा की कंपनी हमदर्द को कैसे भूल सकते। हमदर्द कंपनी की शुरुआत साल 1906 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने दिल्ली में एक हर्बल मेडिसिन की छोटी सी शॉप की तरह ही की थी, जहां उन्होंने यूनानी फार्मूला से मेडिसिन बनाना शुरू किया था। साल 1920 तक हकीम साहब की ये छोटी सी शॉप एक मिनी फैक्ट्री का रूप लेने लग गई और उनके प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन साल 1922 में हकीम साहब की डेथ के बाद उनकी वाइफ राबिया और उनके दो बच्चों ने हमदर्द नाम का ट्रस्ट बनाया और ये कमिट किया कि वो इस कंपनी से हुए 85% प्रॉफिट को इस ट्रस्ट को चैरिटी कर देंगे। और एयर 1940s के पीरियड तक हमदर्द इंडिया में एक काफी जाना माना नाम बन चुका था। लेकिन 1947 में पार्टीशन के बाद हकीम साहब के एक बेटे पाकिस्तान चले गए और एक इंडिया में ही रह गए, इसलिए हमदर्द आज भी पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह ही काफी जाना माना नाम है, जो इसे बनाता है इस लिस्ट के 3 सबसे पुराने ब्रांड्स में से। इंडिया की वो कंपनी जिसे आज हम उसके टाइगर बिस्किट की वजह से जानते हैं, पर ये कंपनी बिस्किट से केक्स, ब्रेड्स, चीज, मिल्क सब कुछ बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटानिया कंपनी की। इस टाइम पर ब्रिटानिया कंपनी 11,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा का रेवेन्यू हर साल अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर जनरेट करती है। पर ब्रिटानिया कंपनी की शुरुआत एयर 1892 में सिर्फ 295 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन ने कोलकाता में करी थी। हालांकि आगे चलकर इस कंपनी को गुप्ता ब्रदर्स ने अक्वायर कर लिया था। इस टाइम पर ब्रिटानिया जिम जैम, मैरी गोल्ड, न्यूट्री चॉइस जैसे सबसे ज्यादा बिकने वाले इंडियन बिस्किट को भी प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं हम इस लिस्ट के सबसे पुराने ब्रांड पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डाबर कंपनी की। डाबर हनी से डाबर गुलाबरी, च्यवनप्राश, पुदीन हरा और दूसरे मेडिसिनल प्रोडक्ट के साथ डाबर कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट हर एक इंडियंस के घरों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन डाबर कंपनी की शुरुआत डॉक्टर एस के बर्मन ने एयर 1884 में करी थी। डॉक्टर एस के बर्मन एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने कलकत्ता में फैले कॉलरा, मलेरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों की दवाओं को गलियों गलियों साइकिल पर बेचना शुरू किया था। और क्योंकि उस टाइम पर लोग डॉक्टर को अक्सर डॉक्टर के नाम से बुलाते थे, इसी वजह से लोगों ने डॉक्टर बर्मन के डॉक्टर का डा और बर्मन का बर से ही उन्हें नाम दिया डाबर का, जिसके बाद जाकर जन्म हुआ इंडिया के सबसे भरोसेमंद और पुराने ब्रांड में से एक डाबर का। तो इस लिस्ट में से कौन सा ब्रांड आपको अपने बचपन की याद दिलाता है और किस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को आप आज भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।